Kindly subscribe the channel and hit the bell icon to get regular updates. Thank you. Hello, I am Pramod Mishra. Today I am explaining the lesson 1, the legislature of class 8 A civics. The Constitution of India is a very important compilation of procedures and rules governing issues which concern the common people of the country. In India, the head of the state is the president, who is elected by the elected members of the two houses of the parliament and the state legislative assemblies. भारत का संविधान बहुत ही ज़्यादा कंपाइलेशन है प्रोसीजर्स का, रूल्स का और गवर्निंग इश्यूज का, जिसमें देश के साधारण लोगों का कंसर्न है. और इंडिया में स्टेट का जो हेड है प्रेसिडेंट होता है, जो कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और पार्लियामेंट के दोनों हाउस के मेंबर्स के द्वारा इलेक्ट किया जाता है. ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के ऑर्गन्स अंग. देयर आर थ्री मेन ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. लेजिस्लेचर, इट इज द लॉ मेकिंग बॉडी. द लेजिस्लेटिव असेंबली हैज कंट्रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव फाइनेंसेज एंड हैज जुडिशरी पावर्स. इट आल्सो हैज कंट्रोल ऑफ द वे द जुडिशियरी वर्क्स. लेजिस्लेचर, ये लॉ मेकिंग बॉडी होती है और लेजिस्लेटिव बॉडी कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव फाइनेंस को और जुडिशरी पावर को, और ये जुडिशरी वर्क के कार्य को कंट्रोल करती है. एग्जीक्यूटिव, इट इज़ द बॉडी दैट इम्प्लीमेंट्स द लॉज एंड रन्स द गवर्नमेंट. ये वो बॉडी होती है जो कि कानून को इम्प्लीमेंट करती है, मीन्स लागू करती है और गवर्नमेंट चलाती है. जुडिशरी, न्यायपालिका. इट प्रोटेक्ट्स द लॉज एंड इंश्योर दैट द सिटीजन्स गेट जस्टिस. जुडिशरी ये प्रोटेक्ट करता है लॉ को और इंश्योर करता है कि लोगों को न्याय मिले. आफ्टर दिस I am starting next page. Division of the powers between the central and the states. Central or state ke beech division ka power. The legislative powers have been divided between the union and the states. Subjects have been listed under three legislative list. Legislative power union or state ke beech mein divide hai aur subjects mein three legislative list ke andar mein list kiye gaye hain. यूनियन लिस्ट, इट कंटेन्स मैटर्स ओवर विच ओनली द सेंटर कैन मेक लॉज. यूनियन लिस्ट ये बनाती उन मामलों को जिसमें केंद्र जो है कानून को बनाता है, केवल बनाता है. स्टेट लिस्ट, इट कंटेन्स मैटर्स ओवर विच ओनली द स्टेट्स कैन मेक लॉज. स्टेट लिस्ट में ये मैटर को उन मामलों को बनाती है जो स्टेट में कानून बनाते हैं. कॉन्करेंट लिस्ट, इट कंटेन्स मैटर ओवर विच बोथ द सेंटर एंड द स्टेट्स कैन मेक लॉज. और कॉन्करेंट लिस्ट में ये वो मैटर्स होते हैं जो सेंटर और स्टेट दोनों में बनाए जाते हैं. सम ऑफ द टॉपिक्स व्हिच आर इंक्लूडेड इन दीज लिस्ट आर गिवन बिलो. इसके कुछ टॉपिक इस लिस्ट में नीचे दिए गए हैं. यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट में डिफेंस, सिटीजनशिप, रेलवेज, फाइनेंस, इलेक्शंस, इलेक्शन कमीशन एंड फॉरेन अफेयर्स आते हैं. कॉन्करेंट लिस्ट में एजुकेशन, फैक्ट्रीज, ट्रेड यूनियंस, इलेक्ट्रिसिटी, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स, फॉरेस्ट, पॉपुलेशन कंट्रोल. एंड स्टेट लिस्ट में आते हैं पब्लिक हेल्थ, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, एग्रीकल्चर, एजुकेशन एंड रिसर्च, फिशरीज, वाटर सप्लाई एंड इरिगेशन, मार्केट्स एंड फेयर्स, लैंड टीन्योर्स, रिलेशन बिटवीन लैंडलॉर्ड्स एंड टीनेंट्स. आफ्टर दिस आई एम स्टार्टिंग नेक्स्ट द कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर का कंपोजिशन कैसे होता है. द यूनियन लेजिस्लेचर आल्सो कॉल द पार्लियामेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉज इन द कंट्री कंसिस्ट ऑफ टू हाउसेज, द लोकसभा आर द लोअर हाउसेज एंड द राज्यसभा आर द अपर हाउसेज. वेयर मेंबर्स मीट, जहाँ पर मेंबर मिलते हैं. द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री फंक्शन एज ए वेरी इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन द टू हाउसेज. यूनियन लेजिस्लेचर इसे पार्लियामेंट कहते हैं, जो जिम्मेदार होता है देश में, दोनों हाउस से बनता है और देश में कानून बनाने के लिए जिम्मेदार होता है. दो हाउस होते हैं, लोअर हाउस, लोकसभा जिसे लोअर हाउस कहते हैं, राज्यसभा जिसे अपर हाउस कहते हैं, जहां मेंबर्स मिलते हैं. और देश का जो राष्ट्रपति है वो बहुत इंपॉर्टेंट लिंक के बीच में काम करता है, दोनों हाउसेस के बीच में. लोकसभा, द लोकसभा आर द हाउस ऑफ द पीपुल इज द लोवेस्ट हाउस, लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. People directly elect members of the Lok Sabha from approximately 543 constituencies all over the country. Depending on the population, each state has a fixed number of constituencies for the Lok Sabha.
लोकसभा या हाउस ऑफ पीपल ये पार्लियामेंट का लोअर हाउस होता है और लोग सीधे इसको चुनते हैं लोकसभा के मेंबर्स को और ये मैक्सिमम 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज से जो सारे देश में उनसे चुने जाते हैं और पॉपुलेशन के आधार पर प्रत्येक स्टेट में फिक्स नंबर होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज की लोकसभा के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए फिक्स नंबर होता है। द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज द लोकसभा द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा में भी 552 मेंबर्स पार्लियामेंट का लोअर हाउस से लोकसभा कहते हैं और लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है 552 मेंबर्स की। आउट ऑफ द 552 मेंबर 530 कैन बी डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स 552 मेंबर्स में 530 कैंडिडेट मेंबर्स ये डिफरेंट स्टेट्स के लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। नॉट मोर देन 20 मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम द यूनियन टेरिटरीज और यूनियन टेरिटरी से संघीय क्षेत्र से 20 मेंबर से ज़्यादा इलेक्ट नहीं किए जाते हैं। 2 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कमिटी एंग्लो इंडियन कमिटी से प्रेसिडेंट के द्वारा 2 मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं। 1 कैंडिडेट इज इलेक्टेड फ्रॉम सेवरल कैंडिडेट्स फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंसी से और सब बहुत सारे कैंडिडेट से एक कैंडिडेट इलेक्ट किया जाता है। द इलेक्टेड कैंडिडेट्स फ्रॉम द लोकसभा और चुना हुआ कैंडिडेट जो होता है वो लोकसभा बनाता है। दे आर कॉल्ड द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट आर MPs और इन्हें संसद का मेंबर कहते हैं या MPs कहते हैं। एलिजिबिलिटी एंड टेन्योर इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए और क्या इनका समय होता है। द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू बी मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर आर लार्जली सिमिलर टू दोज रिक्वायर्ड टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस के मेंबर की जो योग्यता होनी चाहिए वही अधिकतर सिमिलर होती है पार्लियामेंट के मेंबर के लिए। द टू बिकम एन MP एन MLA अ पर्सन मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड शुड बी अ रजिस्टर्ड वोटर एंड मेंटली साउंड MP या MLA होने के लिए बनने के लिए एक मेंबर को भारत का नागरिक होना चाहिए और वोटर रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए और मेंटली यानी दिमाग से स्वस्थ होना चाहिए। टू बिकम अ मेंबर ऑफ द लोकसभा और द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ही सी मस्ट बी एट लीस्ट 25 ईयर्स एज ऑफ एज लोकसभा का मेंबर होने के लिए या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर होने के लिए उसको कम से कम 25 वर्ष का होना चाहिए। द कैंडिडेट कैन नॉट बी ए मेंबर ऑफ राज्यसभा और एनी अदर लेजिस्लेचर एट द सेम टाइम उस समय किसी दूसरी विधानमंडल का या राज्यसभा के का मेंबर नहीं होना चाहिए। ऑल मेंबर्स ऑफ द लोकसभा और द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज आर नॉर्मली इलेक्टेड फॉर 5 years द टेन्योर ऑफ द पार्लियामेंट और द स्टेट असेंबलीज कैन बी टर्मिनेटेड अर्लियर डिपेंडिंग ऑन द पोलिटिकल कंडीशन लोकसभा के सारे मेंबर या स्टेट लेजिस्लेटिव के सारे मेंबर ये साधारणतः इलेक्ट होते हैं 5 साल के लिए और पार्लियामेंट का जो समय है या स्टेट लेजिस्लेटिव का समय है वो पहले टर्मिनेट किया जा सकता है पॉलिटिकल कंडीशन के आधार पर। आफ्टर दिस आई विल गिव एक्सप्लेन इन नेक्स्ट वीडियो बेस्ट ऑफ लक स्टे होम स्टे सेफ। Hello, I am Pramod Mishra from Shivam Convent. Today I am explaining the chapter 1, the legislator of class 8th A Civics. Procedure for election. Election ke liye procedure. Voting is done by secret ballot. The voting age of a person in India is 18 or above. India is a large country consisting of 28 states and 9 union territories. We have a parliament where people are represented from all over the country. In each state, there is a legislative assembly where only people from that particular state are represented. वोटिंग सीक्रेट बैलेट के द्वारा होती है और वोटिंग इंडिया में एक पर्सन की वोटिंग की एज 18 इयर्स या उससे ज़्यादा होती है। इंडिया एक लार्ज कंट्री है जिसमें 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं और हमारे पास पार्लियामेंट है जिसमें लोग रिप्रेजेंट किए जाते हैं सारे देश से और प्रत्येक स्टेट में एक लेजिस्लेटिव असेंबली है जहाँ पर केवल लोग उस पर्टिकुलर स्टेट से रिप्रेजेंट होते हैं। स्पीकर द स्पीकर इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा हु मेंटेन्स ऑर्डर विद इन द हाउस एंड सुपरवाइजेज द वर्क ऑफ द हाउस ही सी इलेक्टेड फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ लोकसभा द स्पीकर में कास्ट हर हिज वोट ओनली इफ इन केस ऑफ अ टाई एज द एंड ऑफ अ डिबेट स्पीकर द स्पीकर जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है लोकसभा का जो हाउस के अंदर मेंटेन्स करता है ऑर्डर को और लोक हाउस के वर्क को सुपरवाइज करता है। वो
लोकसभा के मेंबर से चुना जाता है और स्पीकर अपना वोट कैश के टाई में कर सकता है या डिबेट समाप्त होता है। द रोल ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा और द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग द स्टेट्स ऑफ इंडिया, इट इज अ परमानेंट बॉडी एंड कैन नॉट बी डिसॉल्व। राज्यसभा या अपर हाउस पार्लियामेंट का ये उन मेंबर से बनती है, इंडिया के स्टेट के मेंबर से बनती है और ये परमानेंट बॉडी है और इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा राज्यसभा इज लिमिटेड टू 250 ईयर्स। राज्यसभा की मिनिमम मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 मेंबर्स होती है। द प्रेसिडेंट नॉमिनेट 12 डिस्टिंग्विश्ड मेंबर्स फ्रॉम द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंस और सोशल सर्विस। दीज मेंबर्स आर नोन एज नॉमिनेटेड मेंबर्स। प्रेसिडेंट 12 जाने माने मेंबर्स को नॉमिनेट करता है आर्ट, लिटरेचर, साइंस और सोशल सर्विस के क्षेत्र से और ये मेंबर्स नॉमिनेटेड मेंबर्स के नाम से जाने जाते हैं। 238 मेंबर्स रिप्रेजेंट द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। सीट्स आर अलॉटेड टू ईच स्टेट अकॉर्डिंग टू इट्स पॉपुलेशन। द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। स्टेट के 230 मेंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं और यूनियन टेरिटरीज से और सीट इसके लिए प्रत्येक स्टेट से अलॉट होती हैं इसके पॉपुलेशन के आधार पर। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो मेंबर हैं वो चुने जाते हैं राज्यसभा के मेंबर से। टीन्योर एंड एलिजिबिलिटी यानी कार्यकाल और योग्यता। राज्यसभा मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर्स। राज्यसभा के मेंबर 6 साल के लिए चुने जाते हैं। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स आर रिटायर एवरी 2 ईयर्स एंड देयर प्लेस इज टेकन बाय न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स। इसके मेंबर्स के जो 1/3 हैं प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर होते हैं और उनके स्थान में नए चुने हुए मेंबर्स लिए जाते हैं। द क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड टू बी ए मेंबर ऑफ राज्यसभा आर द सेम एज दोज फॉर द लोकसभा मेंबर्स। क्वालिफिकेशन राज्यसभा के मेंबर के लिए वही सेम होती है जो लोकसभा के मेंबर के लिए होती है। देयर इज ओनली वन डिफरेंस, द मिनिमम एज इज 30 ईयर्स। दोनों में केवल एक डिफरेंस है जो कि एज कम से कम 30 साल होनी चाहिए राज्यसभा के लिए। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द राज्यसभा इज द वाइस प्रेसिडेंट। Although he is not a member and cannot vote unless there is a tie, his duties are similar to those of Speaker of the Lok Sabha. और presiding officer जो राज्यसभा का होता है वाइस प्रेसिडेंट होता है, यद्यपि वो मेंबर नहीं होता है लेकिन वो वोट नहीं कर सकता अगर टाई नहीं हुआ। देयर ड्यूटी इज सिमिलर, उसकी कार्य लोकसभा के स्पीकर की तरह होते हैं। फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट, लॉमेटिक मेकिंग प्रोसीजर्स, कानून बनाने वाली संस्था। व्हाइल फ्रेमिंग लॉज सर्टेन प्रोसीजर्स हैव टू बी अलॉटेड अंटिल अ प्रपोजल इज पास्ड बाय बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड रिसीव द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, इट इज रिफर्ड टू एज बिल। आफ्टर इट इज पास्ड इट इज कॉल्ड एन एक्ट एंड बिकम्स अ लॉ। लॉ मेकिंग प्रोसीजर, जब कानून को फ्रेम किया जाता है कुछ प्रोसीजर्स के लिए फॉलो किया जाता है और जब तक प्रपोजल पास हो जाता है दोनों हाउसों से, जब पार्लियामेंट के और प्रेसिडेंट की कंसेंट के लिए प्राप्त होता है तो इसे बिल कहा जाता है। और इसके पास आफ्टर इट इज पास, जब ये पास हो जाता है तो इसे एक एक्ट कहते हैं और एक कानून बन जाता है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ बिल्स विच कैन बी इंट्रोड्यूस एंड पास इन पार्लियामेंट, ऑर्डिनरी बिल्स एंड मनी बिल्स। दो प्रकार के बिल होते हैं जो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं और पार्लियामेंट में पास होते हैं, ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल्स। नंबर 1 ऑर्डिनरी बिल्स, एन ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर द लोकसभा और द राज्यसभा। एक ऑर्डिनरी बिल या तो लोकसभा में या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इट इज जनरली इंट्रोड्यूस बाय मिनिस्टर बट देयर इज नथिंग टू स्टॉप अ प्राइवेट मेंबर फ्रॉम इंट्रोड्यूसिंग अ बिल एज लॉन्ग एज ही फॉलोज द प्रोसीजर। ये इंट्रोड्यूस एक मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है लेकिन प्राइवेट मेंबर के द्वारा स्टॉप नहीं हो सकता है फ्रॉम इंट्रोड्यूसिंग अ बिल, एक बिल इंट्रोड्यूस करके जैसे कि ये प्रोसीजर को फॉलो करता है। मनी बिल्स, अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा। एक मनी बिल केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इन द केस ऑफ अ मनी बिल, मनी बिल के केस में देयर आर टू स्टेप्स टू बी फॉलोड बिफोर इट इज इंट्रोड्यूस। इसके मामले में 2 स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं इसको इंट्रोड्यूस करने से पहले। द स्पीकर हैज टू डिसाइड वेदर और नॉट इट इज अ मनी बिल। पहले स्पीकर डिसाइड करता है कि यह मनी बिल है या नहीं। द प्रेसिडेंट हैज टू गिव हिज कंसेंट बिफोर अ मनी बिल इज इंट्रोड्यूस। प्रेसिडेंट अपनी कंसेंट देता है, राय देता है
मनी बिल के पहले इंट्रोड्यूस करने से पहले, आफ्टर इट इज पास्ड इन द लोअर हाउस, लोअर हाउस में पास होने के बाद इट इज सेंट टू द राज्यसभा, ये राज्यसभा में भेजा जाता है वेयर इट इज डिस्कस, जहाँ पर डिस्कस होता है। बट द राज्यसभा ओनली हैज 14 डेज टू एक्सेप्ट द बिल आर ऑफर रिकमेंडेशंस, लेकिन राज्यसभा के पास 14 दिन होते हैं कि वो बिल को एक्सेप्ट करे या रिकमेंडेशन को ऑफर करे। इन द राज्यसभा डज नॉट, इफ द राज्यसभा डज नॉट रिटर्न द बिल इन 14 डेज, यदि राज्यसभा 14 डेज में बिल वापस नहीं करता है, इट इज कंसीडर्ड पास बाय द राज्यसभा, और ये मान लिया जाता है कि राज्यसभा से पास हो गया है। इन द केस ऑफ मनी बिल्स द प्रेसिडेंट असेंट इज मेयर फॉर्मेलिटी एज द प्रेसिडेंट कंसेंट हैज बीन टेकन अर्लियर, और मनी बिल्स के केस में प्रेसिडेंट की असेंट फॉर्मेलिटी केवल होती है क्योंकि प्रेसिडेंट की कंसेंट पहले ही ली जा चुकी है। लोकसभा एंड राज्यसभा अ कंपैरिजन, लोकसभा और राज्यसभा का कंपैरिजन, अ कंपैरिजन, बोथ हाउसेज पार्टिसिपेट इन द लेजिस्लेटिव प्रोसेस, दोनों हाउस लेजिस्लेटिव हाउसेज में पार्टिसिपेट करते हैं, बट द लोकसभा प्लेज अ मेयर इम्पॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट रोल इन लॉ मेकिंग एंड अदर मैटर्स, देयर आर हाउएवर सम प्रोविजंस इन विच द राज्यसभा हैज मोर पावर देन द लोअर हाउस। लोकसभा और राज्यसभा का कंपेरिजन यानी तुलना, दोनों हाउस पार्टिसिपेट करते हैं लेजिस्लेटिव प्रोसेस में, लेकिन लोकसभा ज़्यादा अधिक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है और सिग्निफिकेंट रोल अदा करता है लॉ मेकिंग में और दूसरे मैटर्स में, जबकि कुछ प्रोविजंस हैं जिनमें राज्यसभा लोकसभा से, लोअर हाउस से ज़्यादा पावर रखता है। मनी बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा, मनी बिल्स केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, द राज्यसभा ओनली हैज एन एडवाइजरी रोल, राज्यसभा का केवल एक एडवाइजरी सलाह के रूप में रोल होता है, द सेम अप्लाइज टू द बजट, ऐसा बजट में भी होता है। ऑर्डिनरी बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस इन बोथ हाउसेज, बट इन केस ऑफ अ डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेज अ ज्वाइंट सिटिंग इज कॉल्ड एंड द लोकसभा बाई वर्चू ऑफ हैविंग मोर मेंबर्स इज एबल टू पुश द प्रपोजल थ्रू, द राज्यसभा वन कैन से प्रिवेंट्स हेस्टी लेजिस्लेशन। ऑर्डिनरी बिल्स को इंट्रोड्यूस दोनों हाउस में किया जा सकता है डेडलॉक के केस में, दोनों हाउस अगर डेडलॉक केस में है तो एक ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है लोकसभा में, और लोकसभा उसमें अपने मेंबर्स की वर्चू के कारण इसको प्रपोजल को पास करने के लिए बाध्य होती है, और राज्यसभा हम कह सकते हैं कि वह हेस्टी लेजिस्लेशन को रोकती है। आफ्टर दिस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज बोथ इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, द राज्यसभा प्लेज नो रोल इन ए कॉन्फिडेंस मोशन, मिनिस्टर की जो काउंसिल है दोनों इंडिविजुअली और कलेक्टिवली जिम्मेदार होते हैं लोकसभा के लिए, राज्यसभा नो कॉन्फिडेंस मोशन में नो रोल प्ले करता है। समटाइम्स अ सिचुएशन अराइजेज व्हेन अ सब्जेक्ट ऑन द स्टेट लिस्ट एंड अज्यूम्स नेशनल इंपॉर्टेंस, द राज्यसभा कैन देन बाय ए स्पेशल मेजॉरिटी डिक्लेयर दैट पार्लियामेंट मेक लॉज ऑन इट, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है जबकि एक स्टेट लिस्ट में एक सब्जेक्ट एज्यूम किया जाता है नेशनल इंपॉर्टेंस का, तो उसमें राज्यसभा स्पेशल मेजॉरिटी में डिक्लेयर करती है पार्लियामेंट जो कानून बनाती है। द सेटिंग अप ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज AIS इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ राज्यसभा, और ऑल इंडिया सर्विसेज की जो सेटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो राज्यसभा की होती है। बोथ हाउसेज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इम्प्रीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, दोनों हाउस इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में और सुप्रीम कोर्ट के जजेज में और हाई कोर्ट के जजेज के रूप में। ठीक, द स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, इंडिया है 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज, ईच स्टेट गवर्न हैज अ लेजिस्लेटिव बॉडी असेंबली ऑफ इट्स ओन एंड इज डिवाइडेड इन टू स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज, द सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्टर्स द यूनियन टेरिटरीज थ्रू अ लेफ्टिनेंट कर्नल आर चीफ कमिश्नर, देर आर टू टाइप्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, देयर इज यूनिकैमरल एंड बाइकैमरल मीनिंग हैविंग वन हाउस आर टू हाउसेज रिस्पेक्टिवली, मोस्ट ऑफ द हाउसेज इन इंडिया हैव यूनिकैमरल लेजिस्लेचर एक्सेप्ट उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र, राज्य का विधानमंडल, इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, और प्रत्येक स्टेट गवर्नमेंट में एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है अपनी,
और इसको स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्टर करती है यूनियन टेरिटरीज को एक लेफ्टिनेंट गवर्नर या चीफ कमिश्नर के द्वारा। और इसमें दो प्रकार के स्टेट लेजिस्लेटर होते हैं, एक यूनिकैमरल और दूसरा बाइकैमरल, मींस वन हाउस या टू हाउस होते हैं। अधिकांश इंडिया में जो स्टेट हैं उनमें यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में और महाराष्ट्र में बाइकैमरल नहीं, दो हाउस होते हैं। विधानसभा इज कॉल्ड द लोअर हाउस करेस्पॉन्डिंग टू द लोकसभा एंड विधान परिषद इज कॉल्ड द अपर हाउस करेस्पॉन्डिंग टू द राज्यसभा। विधानसभा लोअर हाउस कहते हैं वो लोकसभा की तरह होता है, और विधान परिषद से अपर हाउस कहते हैं वो राज्यसभा की तरह होता है। द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वेयर पीपल डायरेक्टली इलेक्ट द मेंबर्स इज कॉल्ड द विधानसभा। इट यूजली हैज बिटवीन 60 and 500 मेंबर्स। उत्तर प्रदेश हैज 404 मेंबर्स, वेयर एज सिक्किम हैज ओनली 32। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जिसमें लोग सीधे मेंबर्स को चुनते हैं और उसे विधानसभा कहते हैं, और इसमें 60 से 500 मेंबर्स के बीच में होते हैं। उत्तर प्रदेश में 404 मेंबर्स हैं, जबकि सिक्किम में केवल 32 मेंबर्स हैं। आफ्टर दिस इन द स्टेट्स विद बाइकैमरल लेजिस्लेचर देयर इज अनदर हाउस व्हिच इज कॉल्ड द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। मेनी अदर स्टेट इंस्टीट्यूशंस इनडायरेक्टली इलेक्ट पीपल टू दिस हाउस। दिस हाउस इज कॉल्ड द विधान परिषद। ओनली वन हैज टू बी एट लीस्ट 30 years of age to be a part of this house. The Vidhan Parishad consists of elected and nominated members. States में जिसमें bicameral legislature होता है उसमें एक दूसरा हाउस होता है जिसे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, और बहुत सारे स्टेट इंस्टीट्यूशन इस हाउस में इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं, लोग चुनते हैं, और ये हाउस को विधान परिषद कहते हैं। और इसके लिए 30 years की एज होनी चाहिए, और विधान परिषद में इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स से बनती है। द टर्म ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज 5 years। द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर अ पर्सन सीकिंग इलेक्शन टू द विधानसभा इज द सेम एज दैट ऑफ द लोकसभा। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो टर्म होता है, समय होता है, 5 साल का होता है, और इसके लिए एक आदमी की जो क्वालिफिकेशन है वो विधानसभा की तरह होती है और लोकसभा की तरह होती है। द मेंबर्स ऑफ द नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल शुड नॉट बी मोर देन 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। एज इन द केस ऑफ द राज्यसभा 1/3 ऑफ द मेंबर्स रिटायर एवरी 2 years। द रिलेशनशिप बिटवीन द टू हाउसेज इज द सेम एज दैट ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा। और स्टेट लेजिस्लेटिव के मेंबर्स की जो संख्या है वो टोटल मेंबरशिप जो होती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के 1/3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और राज्यसभा के केस में प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं, और दोनों हाउसों के बीच जो रिलेशन है वो सेम है जैसे लोकसभा और राज्यसभा के बीच में है। द गवर्नर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द स्टेट लेजिस्लेचर। गवर्नर स्टेट लेजिस्लेचर में इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। ऑल बिल्स गो टू द गवर्नर फॉर हिज हर एसेंट। सारे बिल्स जो है गवर्नर के पास जाते हैं उसकी एसेंट पर। ही सी हैज़ द पावर टू समन और डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली। वो चाहे तो स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर को डिसॉल्व कर सकती है या उसकी पावर को समन कर सकती है। आफ्टर दिस आई विल गिव होमवर्क इन स्कूल एप्स। बेस्ट ऑफ लक, स्टे होम।